गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई मार्कंडेय मिश्रा। टुडे आई विल टीच यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स। इन दिस चैप्टर आई हैव टॉट यू व्हाट आर क्रॉप्स एंड व्हाट आर क्रॉप सीजन्स, मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इन द टॉपिक मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन वी हैव स्टडीड द स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विच आर प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोविंग ऑफ सीड्स। टुडे आई विल टीच यू द टॉपिक सोविंग ऑफ सीड्स। It is given in this topic that in this process seeds are desired crop are sown in soil, means in this process इस प्रक्रिया में seeds of desired crop, जिस फसल को उगाने की हमको इच्छा होती है उसके बीजों को sown in the soil, मिट्टी में बो दिया जाता है। We should keep the following points in our mind while sowing seeds। हम आगे लिखे हुई बातों को अपने मस्तिष्क में रखते हैं जब हम बीजों को बो रहे होते हैं। First point is given, seeds should be sown at the correct depth in the soil। Seeds को सही गहराई में मिट्टी में बोना चाहिए। You should sow the seeds neither at the great depth nor at the surface। आपको सीड्स को ज़्यादा गहराई में या ऊपरी सतह पर ही नहीं बो देना चाहिए। एट ए ग्रेट डेप्थ सीड्स डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर। ज़्यादा गहराई में सीड्स को, मींस बीजों को, पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं मिल पाएगी। एंड इफ़ सोन एट द सरफेस, और यदि सीड्स को सरफेस में बो दिया जाता है, सीड्स मे बी ईटन बाई बर्ड्स, सीड्स को या तो चिड़ियाँ खा जाएंगी, और दे मे बी वॉश्ड अवे बाई रेन, या रेन वाटर बरसात का पानी इसे बहा करके दूर लेके चला जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज गिवन, सीड्स रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन। सीड्स को जमने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जल की आवश्यकता होती है। द सॉयल शुड देयर फोर हैव वाटर इन इट, इसलिए मिट्टी में पानी की मात्रा होनी चाहिए। हाउ एवर इफ़ देयर इज टू मच वाटर, यद्यपि यदि पानी की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, सीड्स विल नॉट जर्मिनेट प्रॉपरली, तब सीड्स सही तरीके से जर्मिनेट नहीं करेंगे, नहीं जमेंगे। The next point is given, seeds should be sown at proper distances so that they could get enough space and adequate amount of nutrients to grow। seeds को उचित दूरी पर बोना चाहिए ताकि इनके बीच पर्याप्त स्थान रहे और उन्हें सही मात्रा में पोषक पदार्थ वृद्धि के लिए मिल जाने चाहें। सीड्स कैन बी सोन मैनुअली, सिंस सीड्स को मैनुअली बोया जा सकता है, मीन्स विभिन्न प्रकार के साधारण विधियों द्वारा भी बोया जा सकता है, और बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स या सीड ड्रिल मशीन के द्वारा भी इनको बोया जा सकता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, इसी विधि को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। बीज के बोने की, प्रसारित करने वाली विधि या फैलाने की विधि कहते हैं। ए सीड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ फैनल, एक सीड ड्रिल मशीन जो होती है वह फैनल से बनी होती है। फैनल मींस कुप्पी जैसी आकृति से बनी होती है। द पाइप लाइक शेप ऑफ ए फैनल इज पुश्ड इनटू द सॉयल, और एक पाइप जिसका शेप फैनल के जैसा होता है, कीप के जैसा होता है, वह मिट्टी में
ढकेल करके डाली जाती है एंड सीड्स आर ड्रॉप्ड थ्रू द अपर पोर्शन, और सीड्स इसके अपर पोर्शन से मिट्टी में गिरते रहते हैं। हियर यू कैन सी द इमेज हाउ सीड ड्रिल इज ब्रॉडकास्टिंग सीड्स। द नेक्स्ट हेडिंग इज गिवन सोइंग ऑफ सीडलिंग्स, मीन्स छोटे छोटे बीजों को या अंकुरित बीजों को बोना। देयर आर मेनी क्रॉप्स प्लांट्स व्हिच आर नॉट ग्रोन डायरेक्टली इन द फील्ड लाइक राइस, टोमेटो, ओनियन, चिली एक्सेट्रा। बहुत सी फसलें पौधों की ऐसी होती हैं जिन्हें सीधे खेत में नहीं बोया जाता है, जैसे कि राइस, टोमेटो, ओनियन, चिली, ये सब होते हैं। राइस मीन्स चावल, टोमेटो मीन्स टमाटर, ओनियन मीन्स प्याज, चिली मीन्स मिर्च। इन सभी चीज़ों को सीधे फील्ड में नहीं बोया जाता है। दे आर ग्रोन फ्रॉम द सीड्स इन द स्मॉल पैच ऑफ लैंड कॉल्ड नर्सरी। उन्हें छोटे से भूभाग में उगाया जाता है जिसे नर्सरी कहते हैं। व्हेन द प्लांट्स इन द नर्सरी हैव ग्रोन टू ए सर्टेन हाइट, जब नर्सरी में बोए गए प्लांट्स एक निश्चित हाइट के हो जाते हैं, ऊंचाई के हो जाते हैं, दे आर केयरफुली रूटेड आउट, इन्हें ध्यान से जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है, एंड देन दे आर ट्रांसप्लांटेड इन द प्रिपेयर्ड फील्ड एट द प्रॉपर डिस्टेंस। उसके बाद इन्हें तैयार किए गए खेत में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, फिर से लगा दिया जाता है एट प्रॉपर डिस्टेंस, उचित दूरी पर, एंड एट ए प्रॉपर डेप्थ, और उचित गहराई पर। इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग हेल्दी प्लांट्स विच फाइनली लीड्स टू गुड प्रोडक्शन। इस विधि से हमें यह सहायता मिलती है कि हम स्वस्थ पौधों को ही ट्रांसप्लांट करते हैं और जिससे हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है। द नेक्स्ट हेडिंग इज गिवेन मैन्योरिंग, मीन्स खाद डालना। मैन्योरिंग मीन्स प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉयल। मैन्योरिंग का मतलब होता है मिट्टी को पोषक पदार्थों को प्रदान करना। द न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड मेनली मिनरल्स, साल्ट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। न्यूट्रिएंट्स वे मिनरल साल्ट्स होते हैं, वे खनिज लवण होते हैं जिन्हें पौधों को उचित वृद्धि करने के लिए आवश्यकता होती है। हाउएवर तथापि यद्यपि दीज मिनरल साल्ट्स आर रिप्लेनिश्ड और रिसाइकल्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। ये मिनरल साल्ट्स जो होते हैं, खनिज लवण जो होते हैं, वे फिर से आपूर्ति कर लिए जाते हैं, इनका भराव फिर से हो जाता है प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा। बट कल्टिवेटिंग इन द सेम फील्ड कंटिन्यूसली मे डिप्लीट द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लेकिन यदि हम एक ही खेत में एक ही प्रकार की फसल को बार बार उगाते रहेंगे तो कुछ निश्चित प्रकार के पोषक पदार्थों की कमी उस खेत में हो जाएगी। सो टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉयल, इसलिए उन पोषक पदार्थों की मात्रा को मिट्टी में मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, वी कैन ऐड मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स टू द सॉयल। हम इस मिट्टी में खाद्य पदार्थ या खादों को मिला सकते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट सम नेचुरल और मैनुअल मेथड्स ऑफ मैन्योरिंग। आओ हम खाद डालने के कुछ प्राकृतिक और कुछ मैनुअल तरीकों के बारे में जानें। द हेडिंग इज गिवेन नेचुरल मेथड, मीन्स प्राकृतिक विधि। इन दिस हेडिंग इट इज गिवेन फील्ड फॉलो, मीन्स खेत को खाली छोड़ देना। इन दिस मेथड पार्टिकुलर फील्ड इज लेफ्ट विदाउट ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर वन और मोर सीजन्स। इस मेथड में निश्चित खेत को हमें बिना फसल बोए एक या दो सीजन छोड़ देना होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द फील्ड रीगेन न्यूट्रिएंट्स व्हिच हैव बीन यूज्ड बाय प्लांट्स। इस दौरान खेत
फिर से उन पोषक पदार्थों को प्राप्त कर लेता है जो कि पौधों द्वारा उपयोग में कर ले लिए गए थे। व्हेन वी लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड, जब हम फील्ड को बिना बोए छोड़ देते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स वर्किंग ऑन डेड एंड डिकम्पोज्ड मटेरियल्स विच आर कलेक्टेड ऑन द फील्ड। सूक्ष्म जीव उन मरे हुए और सड़े हुए पदार्थों को डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़ना शुरू कर देते हैं जो उस खेत में इकट्ठा रहते हैं। दे कन्वर्ट डेड एंड डिकम्पोज्ड मटेरियल इंटू सिंपलर सब्सटेंसेज, वे इन मरे हुए और सड़े हुए पदार्थों को सामान्य पदार्थों या साधारण पदार्थों के रूप में तोड़ देते हैं, बदल देते हैं सच एज न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं बदले हुए पदार्थों को, सरल पदार्थों को न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थ कहा जाता है। इन दिस वे फील्ड फॉलोज द नेचुरल वे ऑफ मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, इस प्रकार से खेत को खुला छोड़ देना एक प्राकृतिक विधि है जिसके द्वारा मिट्टी अपनी फर्टिलिटी प्राप्त कर लेती है, मिट्टी अपनी उपजाऊ क्षमता फिर से प्राप्त कर लेती है। द नेक्स्ट हेडिंग इज गिवेन क्रॉप रोटेशन मीन्स फसल चक्र। यू ऑलरेडी नो दैट सॉयल कंटेंस डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, आपको पहले से ही पता है कि मिट्टी में विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ अलग अलग अनुपात में उपस्थित होते हैं। देयरफोर इफ वी सो द सेम क्रॉप कंटिन्यूअसली, इस प्रकार से यदि हम एक ही फसल लगातार उगाएंगे, सम पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड अप बाय द क्रॉप्स इन एक्सेस, कुछ विशेष प्रकार के पोषक पदार्थों का उपयोग फसलों द्वारा अधिक मात्रा में कर लिया जाएगा। एंड दीज न्यूट्रिएंट्स गेट डिप्लीटेड रैपिडली, और इन पोषक पदार्थों की कमी तेजी से हो जाएगी। देयरफोर वी फॉलो क्रॉप रोटेशन मेथड इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन द सेम फील्ड, इसलिए हम क्रॉप रोटेशन मेथड को अपनाते हैं, फसल चक्र को अपनाते हैं, इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड, जिसमें विभिन्न प्रकार की क्रॉप्स कल्टिवेट की जाती हैं इन द सेम फील्ड, एक ही प्रकार के खेत में, सोएज ताकि टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉयल, मिट्टी में इन पोषक पदार्थों की मात्रा बनी रहे। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए सीरियल क्रॉप्स लाइक राइस एंड व्हीट यूज अप लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉयल। सीरियल क्रॉप्स अनाज की फसलें जैसे कि चावल और गेहूँ बड़ी मात्रा में मिट्टी से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। देयरफोर आफ्टर ग्रोइंग राइस, इसलिए फसलों को उगाने के बाद या राइस की फसल को उगाने के बाद, व्हीट की फसल को उगाने के बाद, फार्मर्स शुड ग्रो लेग्यूम्स इन द सेम फील्ड, किसानों को दलहनी फसलों को उसी खेत में उगाना चाहिए। लेग्यूमिनस क्रॉप्स लाइक पी ग्राम और ग्राउंडनट हैव नो रियल रूट व्हिच कन्वर्ट नाइट्रोजन ऑफ द एयर इनटू नाइट्रेट्स व्हिच कैन बी यूज्ड अप बाय सीरियल क्रॉप्स अगेन। लेग्यूमिनस क्रॉप्स जैसे कि मटर, चना या मूंगफली है, इनकी जड़ों में नोड्यूल पाए जाते हैं, छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं जिसमें नाइट्रोजन को, जो कि एयर में प्रेजेंट होती है या हवा में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी होती है, नाइट्रेट में बदलने की क्षमता होती है, विच कैन बी यूज्ड अप बाय सीरियल क्रॉप्स अगेन, जिसका अनाज के फसलों द्वारा फिर से उपयोग कर लिया जाता है। द नेक्स्ट हेडिंग इज गिवन मिक्स्ड क्रॉपिंग मीन्स मिश्रित फसल। समटाइम्स टू आर मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड एंड इन द सेम सीजन, कभी कभी एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक ही मौसम में उगा लिया जाता है।
In this method, crops are selected in such a way that the products and waste materials from one crop help in growth of the other. इस प्रकार से हम ऐसी फसलों का चयन करते हैं जिनके प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल्स दूसरी फसल के ग्रोथ में मदद करते हों. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए व्हीट एंड मस्टर्ड, गेहूं और सरसों, और या कॉटन एंड ग्राउंडनट, सनई और मूंगफली, कैन बी ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड, एक साथ एक ही खेत में उगाए जाते हैं या उगाए जा सकते हैं. हाउएवर, दीज नेचुरल मेथड्स एलोन आर नॉट इनफ टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल. यद्यपि प्राकृतिक जो विधियां हैं इससे जो मिट्टी की फर्टिलिटी होती है वह पर्याप्त रूप में नहीं मेंटेन हो पाती है, नहीं बन पाती है. फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. इसीलिए फार्मर्स को समय समय पर इनमें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को डालना पड़ता है. द नेक्स्ट हेडिंग इज गिवेन मैनुअल मेथड, मींस जो सामान्य विधियां किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपोजिटिंग, कंपोजिट खाद का निर्माण करना, ये हेडिंग दी गई है. इन दिस हेडिंग इट इज़ गिवन दैट द एडिशन ऑफ कंपोस्ट टू द सॉइल टू इंक्रीज द इट्स फर्टिलिटी इज कॉल्ड कंपोजिटिंग. फसल एडिशन ऑफ कंपोस्ट टू द सॉइल, मिट्टी में कंपोस्ट को मिलाना जिससे इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए, इसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाए, इस कॉल्ड कंपोजिटिंग. इसी प्रक्रिया को कंपोजिटिंग कहते हैं. कंपोस्ट इज मेड फ्रॉम वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल्स. कंपोस्ट को खराब कार्बनिक पदार्थों से बनाया जाता है. इफ वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक फूड वेस्ट्स, काउ डंग, फॉलन लीव्स एक्सेट्रा आर डम्प्ड इनटू ए पिट, बैक्टीरिया एंड फंजाई स्टार्ट वर्किंग ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज और न्यूट्रिएंट्स, दिस इज कॉल्ड कंपोस्ट. जब हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे फूड वेस्ट्स हैं, खाने के सामान जो बचे हुए होते हैं, काउ डंग, गाय का गोबर है, फॉलन लीव्स, गिरी हुई पत्तियां हैं, इन्हें एक गड्ढे में डंप कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो बैक्टीरिया और फंजाई मींस कवक और बैक्टीरिया इन पर कार्य करना शुरू कर देते हैं और इनको साधारण पदार्थों या पोषक पदार्थों के रूप में बदल देते हैं और यही कंपोस्ट कहलाते हैं. द नेक्स्ट हेडिंग इज गिवेन फर्टिलाइजर्स, मींस खादें. इट इज़ गिवन दैट कंपोस्ट प्रिपेयर बाई ऑर्गेनिक मेटेरियल्स डू नॉट कंटेन सम अदर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. ऑर्गेनिक मटेरियल्स से जो कंपोस्ट बनाई जाती है उनमें कुछ महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये नहीं होते हैं. दीज मिनरल साल्ट्स आर प्रिपेयर्ड इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज. इन मिनरल साल्ट्स को फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है, खाद के कारखानों में तैयार किया जाता है. द मोस्ट वाइडली यूज्ड मिनरल्स आर, सबसे अधिक मिनरल्स जो कि यूज किए जाते हैं वे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हैं. फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग दीज मटेरियल्स साल्ट्स आर कॉल्ड एनपीके फर्टिलाइजर्स. और वे खादें जिनमें ये मटेरियल्स या ये मिनरल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसे एनपीके फर्टिलाइजर्स या एनपीके खादें कहा जाता है. स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट एन रिप्रेजेंट्स नाइट्रोजन, पी रिप्रेजेंट्स फास्फोरस एंड
के रिप्रेजेंट्स पोटेशियम. पोटेशियम हैज ए लैटिन नेम विच इज रिप्रेजेंट बाई के एंड इट इज कॉल्ड कैलियम. सो एन पी के फर्टिलाइजर्स मीन्स नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड कैलियम फर्टिलाइजर्स. वी कैन प्रोवाइड द सॉयल विथ मिनरल साल्ट जस्ट बाई एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द सॉयल. और हम मिट्टी में मिनरल साल्ट को मिला देते हैं केवल उनमें खादों को मिलाने के बाद. सो इस प्रकार से फर्टिलाइजर्स आर ह्यूमन मेड केमिकल सब्सटेंसेज. फर्टिलाइजर्स मानव द्वारा बनाए गए रासायनिक पदार्थ हैं दैट कंटेन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ. उनमें एक या दो ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं. बट एक्सेसिव यूज ऑफ मिनरल साल्ट्स कैन डिस्ट्रॉय द टेक्सचर ऑफ द सॉयल. लेकिन इन मिनरल साल्ट्स का अधिक इस्तेमाल करने से टेक्सचर ऑफ सॉयल, मृदा की जो बनावट होती है, मिट्टी की जो बनावट होती है, वह नष्ट हो जाती है. बिसाइड्स इट मे ऑल्सो लीड टू पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर. और इसके अतिरिक्त इन केमिकल्स से पृथ्वी के अंदर उपस्थित पानी भी पॉल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है. बिकॉज इट मे परकुलेट थ्रू सॉयल, क्योंकि यह बहुत धीरे धीरे मिट्टी को प्रभावित करके नीचे चला जाता है. हियर द वर्ड परकुलेट मीन्स स्रावित होना या धीरे धीरे रिस करके इनका मिट्टी में उपस्थित पानी में मिल जाना. स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू द हेडिंग इरिगेशन एंड द मेथड्स ऑफ इरिगेशन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.